तो हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं ये जो ब्रांच नेम है इसमें हमें क्या डालना है, ब्रांच नेम बेसिकली होता क्या है और इस ब्रांच नेम के अंदर हम क्या डालें। तो गाइस, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अपने फ़ोन के अंदर आप जो है ब्रांच कोड कैसे निकाल सकते हैं या फिर आपके बैंक का जो ब्रांच है वो कैसे पता करेंगे वो इस वीडियो में हम जानेंगे। 2 से 3 मेथड आपको बताए जाएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो ब्रांच कोड का सीधा सा मतलब होता है कि आपका जो बैंक अकाउंट है वो कहाँ पर है, कौन से बैंक में है, मतलब उसकी शाखा कहाँ पर है। अब जैसे आपका जो भी शाखा है जहाँ पर भी है तो वही आपका जो है ब्रांच नेम होता है, मतलब जिस शहर में है या फिर जिस जिले में है, जिस गांव में है आपका जो शाखा है उसी को ब्रांच नेम कहा जाता है। जैसे आप यहाँ पे मुंबई के अंदर कहीं पर है तो उसे आप मुंबई दे दीजिएगा, ठीक है। अगर आपका कहीं पर मतलब गाँव में है तो उस गाँव का आप नाम दे देना, मतलब ब्रांच जहाँ पर बनी हुई है उस शहर का या फिर उस गाँव का यहाँ पर आपको नाम दे देना है। तो वैसे आपको अगर यहाँ पर ये पता नहीं है तो आप डायरेक्टली जो है अपने पासबुक के ऊपर प्रिंटेड देखने को आपको मिलेगा, जो भी आपका ब्रांच होगा वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा अपने पासबुक के अंदर। आप जो है मतलब फाइंड कर सकते हैं, निकाल सकते हैं आईएफएससी कोड से भी। इसके अलावा अगर आपको फिर भी नहीं मिल रहा है तो आप क्या करना, जो भी आपका आईएफएससी कोड है, जो भी आपके पासबुक के ऊपर आईएफएससी कोड प्रिंटेड है, उसको आईएफएससी कोड को आपको गूगल में पेस्ट कर देना है, गूगल में डाल देना है। तो जैसे आप किसी भी आईएफएससी कोड को यहाँ पे जो है पेस्ट कर देते हैं गूगल के अंदर, वहीं पर आपको जो है यहाँ पे ब्रांच कोड देखने को मिल जाएगा या फिर आपका जो है ब्रांच कहाँ पे है उस ब्रांच से रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। आप वहाँ पे उस तरीके से भी फाइंड कर सकते हैं, बस आपको आईएफएससी कोड जो है गूगल में डाल देना है आपके बैंक का। तो ये प्रोसेस है। अगर आपको वीडियो यहाँ पे अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।